टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति, आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में चाकूबाजी करने के आरोप में दो लोग गिरफ्तार। भुवाड़ा में चाकू से युवक के सीने पर वार करने का आरोप। मिट्टी में दबने से पति पत्नी की मौत, घर की लिपाई के लिए मिट्टी खोदते समय हुआ हादसा। और डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलाकर सरकारी नौकरी हासिल करने वाला शिक्षक और एक दलाल हिरासत में, दो अन्य सरकारी शिक्षकों की तलाश में जुटी है पुलिस। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में जान से मारने की नीयत से चाकूबाजी करने की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने इस घटना के दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना मंगलवार 18 जून की बताई जा रही है। भुवाड़ा बाईपास पर पेट्रोल पंप के पास चाय के कैबिन पर खड़े हुए शख्स पर हेनेंद्र प्रजापत और उसके साथ 3-4 अन्य साथियों द्वारा गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से एक युवक के सीने पर चाकू मारने का आरोप है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए ये दोनों लोग देवरों की भागल में रहने वाले हीरा लाल डांगी पर चाकुओं से हमला कर उसे घायल करने के आरोप में पकड़े गए हैं। हीरा लाल ने रिपोर्ट देकर पुलिस को बताया था कि मंगलवार शाम 10:30 के आसपास भुवाड़ा बाईपास पर मौजूद पेट्रोल पंप के पास एक चाय के कैबिन पर खड़ा हुआ था। इसी दौरान हेनेंद्र प्रजापत और उसके साथ आए 3-4 लोगों ने उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी और जान से मारने की नीयत से उसके सीने पर चाकू से वार कर दिया, जिससे वो घायल होकर मौके पर ही गिर गया। चाकूबाजी के मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने घटना में लिप्त बदमाशों का पता लगाने के निर्देश दिए। वृत्ताधिकारी पश्चिम कैलाश चंद्र खटीक और सुखेर थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत के निर्देशन में टीम गठित की गई। टीम द्वारा निशानदेही के आधार पर घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साधनों और मुखबिरों से मिली सूचना की मदद से आरोपियों को नामजद किया गया। इसके बाद पुलिस ने भुवाना निवासी हेमेंद्र प्रजापत के घर पर दबिश दी तो घर से फरार मिला। इस मामले के अन्य आरोपी गोविंद का पता लगाकर सिसारमा की तरफ दबिश दी तो दोनों आरोपी वहां पर छिपे हुए मिले। पुलिस को देखकर दोनों ने भागने का प्रयास किया, परंतु पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने इस मामले में सुखेर थाना क्षेत्र के कुम्हारवाड़ा चुवाड़ा निवासी 24 वर्षीय हेमेंद्र प्रजापत पुत्र तुलसीराम प्रजापत और नाई थाना क्षेत्र स्थित सिसारमा के कुम्हारों का मोहल्ला निवासी 23 वर्षीय गोविंद प्रजापत पुत्र रमेश प्रजापत को गिरफ्तार किया है। इस घटना में लिप्त अन्य वांछित आरोपियों की तलाश कर रही है। सलुम्बर जिले के लसाड़िया क्षेत्र से दर्दनाक खबर सामने आई है। मिट्टी निकाल रहे पति पत्नी की मिट्टी में दबने से मौत हो गई। घटना लसाड़िया थाना क्षेत्र के भरेव के बेड़ावाला फला की बताई जा रही है। बताया जा रहा है पति और पत्नी दोनों मिलकर घर में लिपाई के लिए मिट्टी निकाल रहे थे। इसी दौरान अचानक से मिट्टी का ढेर उन पर आ गिरा। मिट्टी के ढेर के नीचे दबने से पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। मिट्टी निकालते समय अचानक से मिट्टी का ढेर पति पत्नी पर गिर जाने से दबने के चलते उनकी मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलने के बाद लसाड़िया थाना अधिकारी हर्षराज सिंह शक्तावत अपने जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मिट्टी में दबे पति पत्नी के शवों को निकलवा कर दोनों शवों को मोर्चरी भिजवाया। दोनों के शवों को लसाड़िया सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है। मरने वाले दंपति में पति का नाम मदनलाल बताया गया, पत्नी का नाम हिरकी मीणा बताया गया है। दंपति की मौत के बाद उनके दो मासूम बच्चों के सर से एक साथ माँ और बाप का साया उठ गया है। एक बच्चा 4 वर्ष का बताया गया, जबकि दूसरी बच्ची दूधमुही है, उम्र महज 11 से 12 महीने की उसकी बताई गई है। इसकी जानकारी मिलने के बाद पूर्व प्रधान कन्हैया लाल मीणा, तहसीलदार रामजीलाल गुर्जर भी मौके पर पहुंचे और बच्चों को सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। दोनों मासूम बच्चे अब दादा के सहारे आ गए हैं। वाइब्स खुशी की, वाइब्स जशन की, वाइब्स है रोशनी की, अपने टशन की, त्योहारों की
परिवारों की अरमानों की बारातों की वाइब्स है ये है अपनों की सिटी वाइब्स है ये ओ गॉड स्नेहा सो डर्टी। मैं तो अपने आप को साफ रखना पसंद करती हूँ। टॉयलेट कौन साफ करेगा? तेरी माँ। वाइटिक्स टॉयलेट क्लीनर, रखे टॉयलेट को हमेशा क्लीन एंड फ्रेश। वाइटिक्स होम्स क्लीन होम्स। बांसवाड़ा पुलिस ने रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा देते हुए सरकारी नौकरी हासिल करने के आरोप में दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। IGS परिमला ने बताया कि गांगड़ तलाई निवासी महेश पटेल को हिरासत में लिया गया है। महेश पटेल वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जीथाखला में पोस्टेड है। साथ ही पुलिस ने एक दलाल को भी दबोचा है, जबकि इस मामले में दो आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। रीट भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी के जरिए परीक्षा दिलाकर सरकारी नौकरी हासिल करने के आरोप में बांसवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सरकारी शिक्षक और एक दलाल को हिरासत में लिया है। इस मामले में दो अन्य सरकारी शिक्षकों की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक एस परिमला ने बताया कि बांसवाड़ा जिले के सल्लोपाट थाना क्षेत्र में एक विद्यालय में कार्यरत सरकारी शिक्षक महेश पटेल को डिटेन किया। इसके अलावा दो अन्य सरकारी शिक्षक हैं जो रीट परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सरकारी सेवा में नियुक्त हो चुके हैं, उनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक एस परिमला ने बताया कि अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है, जांच आगे जारी है और जांच में कहीं अन्य खुलासा होने की भी संभावना बताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि रीट परीक्षा मामले में बांसवाड़ा जिले में ये पहली कार्रवाई है जिसमें दो को हिरासत में लिया है और दो अन्य की तलाश की जा रही है। कैंडिडेट को बिठाया है, उसके लिए हमने तीन लोगों के बारे में पता कर लिया, एक को डिटेन भी कर लिया है, मगेश चंद्र पटेल सन्ना दुलिया पटेल गंगड़ तलाई सलोपट का रहने वाला है। वो अभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जीता कला में टीचर है। इसके अलावा दो ये एक अनूप दोलिया है और मगेंद्र सिंह है। ये तीनों डमी कैंडिडेट को बिठा के पास करके अभी टीचर का कर रही हैं। इसका दलाल सेवालाल सन्नफ के का है, बाबो आंडीगांव सलोपट का रहने वाला है, उनको भी हमने डिटेन कर लिया है। अभी एक टीचर एक डिटेन कर लिया है, अभी दो के लिए हम कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा और भी कुछ सस्पेक्टेड है वो भी आ जाएंगे। अभी तीन को किया है? अभी दो को किया है। दो को किया है, एक मतलब ब्रोकर टाइप है, दूसरा एक मुलजिम है। ये तीनों जॉब पे लग चुके हैं? मतलब जहाँ पे एक्चुअली तीनों टीचर हैं, अभी दो तो अभी फरार हैं, अभी एक तो हम डिटेन कर लिया है, एक टीचर डिटेन कर लिया, एक रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल एन इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल होमली एनवायरमेंट इंडिविजुअल अटेंशन स्टूडेंट फ्रेंडली लाइब्रेरी एयर कंडीशन्ड प्री प्राइमरी क्लासरूम्स डिजिटल क्लासरूम्स ह्यूज स्पेस फॉर इंडोर एंड आउटडोर गेम्स जैन सोसाइटी ग्रांट्स 50% स्कॉलरशिप फॉर जैन स्टूडेंट्स सीसीटीवी सर्वेलेंस बाय मैनेजमेंट अफोर्डेबल एंड सेफ कन्वीनियंस फैसिलिटी अवेलेबल रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल चित्रकूट नगर भुआना उदयपुर। गोगुंदा के बेकरिया थाना क्षेत्र में एक बेटे द्वारा लट से पीट पीट कर अपने पिता की हत्या कर दी गई। घटना झाड़ोल तहसील के बेकरिया थाना क्षेत्र स्थित बेड़ादर गांव की है। इस हत्या की सूचना आग की तरह से पूरे क्षेत्र में फैल गई। इसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। बताया जा रहा है पिता की हत्या करने के बाद आरोपी पुत्र मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद आरोपी बेटे की तलाश शुरू कर दी है। घर के बाहर जमा भीड़ एक पुत्र द्वारा अपने बाप की हत्या किए जाने की जानकारी मिलने के बाद यहां पहुंची है। राप्ताराम नाम के शख्स पर उसके बेटे दिनेश ने पत्नी के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाते हुए लठ से इतनी बुरी तरह से पीटा कि गंभीर घायल हुए पिता की मौके पर ही मौत हो गई। दिनेश ने आवेश में आकर पिता पर लट से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके चलते पिता रावताराम कमेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी दिनेश मौके से फरार हो गया। परिजनों की सूचना पर थानाधिकारी धनपत सिंह मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
साथ ही पुलिस ने टीमें गठित कर आरोपी दिनेश की तलाश भी शुरू की है। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घड़ी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। बांसवाड़ा युवा मित्र संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए उन्हें फिर से बहाल करने की मांग की है। संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार में हमें रोजगार मिला था, लेकिन जैसे ही सरकार बदली हमें नौकरी से हटाकर बेरोजगार कर दिया गया। आचार संहिता लगने के चलते ये प्रदर्शन स्थगित था, जिसे एक बार फिर से शुरू किया गया है। पिछले कई महीनों से हमारा धरना प्रदर्शन प्रदेश स्तर तक चला, बाद में आचार संहिता लगने के चलते धरने को स्थगित कर दिया गया। एक बार फिर से युवा मित्र संघर्ष समिति ने सरकार से बहाल करने की मांग को लेकर सैकड़ों की तादाद में संभागीय कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार द्वारा राजीव गांधी युवा मित्र योजना के तहत सैकड़ों युवाओं को रोजगार दिया गया था, लेकिन सरकार बदलने के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भाजपा सरकार ने इस योजना को रद्द करते हुए सभी को नौकरी से निकाल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर तंज कसते हुए कहा था कि अगर इस सरकार को राजीव गांधी के नाम से दिक्कत थी तो योजना का नाम बदल देते, इतने लोगों का रोजगार छीनने की क्या जरूरत थी। हालांकि भजनलाल सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना शुरू की है, इसके तहत 50,000 युवाओं को रोजगार दिए जाने की बात कही जा रही है। इसके लिए सरकार 400 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर में एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात भी कही गई है। बहरहाल बेरोजगार युवा उन्हें फिर से बहाल करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। मित्रों को बीजेपी सरकार जैसे ही गवर्नमेंट आई तो युवा मित्रों को हटा दिए गए, इस मांग को लेकर हम पुनः बहाली के लिए मांग कर रहे हैं। यही मांग हमारी लंबे समय से चल रही है। जैसे जयपुर में 72 दिन का धरना चला था हमारा, इसके बाद में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगी। 16 मार्च को जैसे आचार संहिता लगी तो हम आचार संहिता के नियम का पालन करते हुए हमारा सीएम साहब के मुख्य सचिव से डेरिकेशन हुआ, 72 दिन का धरना चला था। इसके बाद में इसके बाद हमको आश्वासन दिया गया कि आपको आचार संहिता के बाद पुनः बहाल किया जाएगा। तो अभी तक का हमारे पक्ष में सरकार ने कोई नहीं दिया है न्याय, तो हम इसके लिए वापस पुनः बहाल के लिए मांगे। जिले में कितने कार्मिक है? चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में चाकूबाजी करने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। भुवाड़ा में चाकू से युवक के सीने पर वार करने का आरोप। मिट्टी में दबने से पति पत्नी की मौत, घर की लिपाई के लिए मिट्टी खोदते समय हुआ हादसा। और डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलाकर सरकारी नौकरी हासिल करने वाला शिक्षक और एक दलाल हिरासत में, 2 अन्य सरकारी शिक्षकों की तलाश में जुटी है पुलिस। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए News 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं News 91 आवाज हम सबकी।